तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA से मोबाइल रजिस्टर कैसे करें, वो तरीका जो बहुत ही आसान है। तकरीबन जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से मोबाइल रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो तो सब लोग जानते हैं, और एक आसान तरीका मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मोबाइल रजिस्टर करने का तरीक़ेकार ये होता है कि अपनी PTA की वेबसाइट पे जाएं, ID बनाएं और उसके बाद मोबाइल का MU वगैरह डायल करें, उसके बाद आप अपना मोबाइल रजिस्टर कर सकते हैं। और आज जो आपको तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसान तरीका है। उसमें वो जो है तरीका, USD कोड डायल करो और आप उसमें पूरी अपनी डिटेल चेक करो, मालूम करो और अपने मोबाइल को रजिस्टर करो। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। तो तरीक़ेकार ये है कि आप अपने मोबाइल में *8484# डायल करें और सेंड करें। सेंड करने के बाद तो देखो दोस्तों, मेन्यू में आ गया है रजिस्टर मोबाइल डिवाइसेस। अगर हम एक दबाते हैं तो अपने मोबाइल को रजिस्टर कर सकते हैं, करने का तरीक़ेकार है। अगर दो दबाएंगे तो हम अपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस मालूम कर लेंगे कि हमारा जो मोबाइल है रजिस्टर हुआ नहीं हुआ, हमने जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी वो मौसूल हुई नहीं हुई, काम उस पर चल रहा है क्या है? अच्छा, उसके बाद तीन नंबर पे जो है अपनी रजिस्ट्रेशन जो है अगर प्रोसेस में है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। नंबर चार पे है मोबाइल डिवाइसेस काउंट रजिस्टर विथ यूर CNIC। अगर आपके मोबाइल नंबर CNIC पे कितने मोबाइल जो है रजिस्टर्ड हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तो हम एक दबाते हैं और सेंड कर देते हैं। दोबारा डायल करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया था इसीलिए। तो अब हम एक दबाएंगे और सेंड करेंगे। देखिए, अगर आप पाकिस्तानी लोकल इंटरनेशनल ट्रेवलर हैं तो डुअल नेशनलिटी होल्डर हैं तो आप असल में ठीक है, हम एक दबाएंगे। अगर फॉरेनर हैं और ट्रेवल्ड ऑन वीज़ा तो हम दो दबाएंगे। तो हमें एक क्लिक करना है। एक क्लिक करने के बाद इंटरनेशनल ट्रेवलर फर्स्ट डिवाइस, इंटरनेशनल ट्रेवल जो है फर्स्ट डिवाइस उनको फ्री होती है। दो इंटरनेशनल ट्रेवलर अदर 4 डिवाइसेस इन कैलेंडर ईयर, एक साल में 4 डिवाइसेस रजिस्टर कर सकते हैं। डिवाइस रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल टैक्स। और तीन, हम जो है टैक्स अदा करके उसके बाद अपनी डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3 पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर इंटर योर 3-डिजिट CNIC, अपना CNIC डालेंगे। उसके बाद हम इंटर करेंगे मोबाइल जो है सिंगल MU है, डबल MU है, क्या है, ये ट्रिपल है, फॉर एग्जांपल सिंगल MU है तो हम सिंगल पे क्लिक करेंगे और MU को डायल करेंगे। मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए एक वीडियो बनाने के लिए MU डायल कर रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए सेंड कर देंगे। तो दोस्तों ये है मोबाइल रजिस्टर करने का प्रोसेस। असल में ये जो है मैंने आपको समझाने के लिए तरीक़ेकार बताया था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई आप मशवरा देना चाहें फिर भी कमेंट में लिख सकते हैं, कोई मशवरा पूछना चाहते हैं फिर भी कमेंट में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।